अस्सलाम वालेकुम। तो भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाजमाबाद के एक इंडोर में, और सीन ये है कि यहाँ पे एक टूर्नामेंट हो रहा है 8 टीम का, जिसमें एक हमारी IBS की भी टीम है, और मैं भी आपको सारे प्लेयर्स से ही मिलवाऊंगा, और एक बड़ा ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट होने वाला है ये, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। भाई थोड़ा सा वो बता दें कितने ओवर का मैच है यार? 5 ओवर का मैच है। हाँ, 4 बॉलर यूज है, 1 ओवर पावर प्ले का इसमें। अच्छा, पावर प्ले क्या है इसमें, क्या रखा हुआ है कि जो विकेट रखी हुई है ना, सही, इस विकेट के पीछे सिर्फ एक फील्डर अलाउ है, बाकी 6 फील्डर जो है वो इससे आगे रहेंगे। अच्छा, पावर प्ले का ये रूल है। सही, थोड़ा अलग क्रिकेट खेलते हैं। किसी भी ओवर में ले सकते हैं, पहला ओवर होगा, किसी भी ओवर में ले सकते हैं, 5 ओवर में से लास्ट ओवर लो, फर्स्ट ओवर लो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, ये वाला सीन। ओके, डन हो गया। बैटिंग में कौन कौन जा रहा है? बैटिंग पे जा रहे हैं बख्तियार, एक बहुत मजे हुए प्लेयर है, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ आवर टीम, ये जो है वो इस कैमरे के सामने है जो कि हारिस है। तो भाई 5 ओवर का मैच है, और मेरे ख्याल से 40+ टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि टारगेट में बचा सके इंशाल्लाह। भाई इधर आ जाओ, यहाँ कहाँ बैठे हो? बोलो भाई जान, वीडियो आपने ही बनानी है। बना लेंगे, आ जाओ। सही नहीं है असल भाई, माशाल्लाह भाई, काफी टाइम बाद आप डे बॉल में दिखे आज। सर बस आप दोस्तों की वजह से आना पड़ा मुझे, वरना तो आप दिल्ली जाते। आपकी बैटिंग देखनी है इंशाल्लाह। बैटिंग तो भाई की ऑन सीन चल रही है, जहाँ जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अपनी पहली बॉल करवाते हुए, गुड शॉट यार, आयस भाई स्ट्राइक पर आ गए। अच्छा, तो बॉल पहला सही था, पता है ना। चौथी का बॉल का सामना आरिस कर रहे हैं, ये वाइड बॉल आ गई है। चौथा बॉल आरिस स्ट्राइक ले लेगा, और ये गुड शॉट, 4 हो गया, 9 हो गया, 4 पे 9। गुड शॉट, एक रन ही होगा, वाइड बॉल करके दूसरी बॉल, पहली बॉल बख्तियार अली खेल रहे, नॉट बॉल। पहले ओवर के अख्ताम पे 11 रन हो गए हैं भाई, पहले ओवर में 11 रन आ गए, और मेरे ख्याल से अगर 10-11 आ गए 50 रन बहुत एक्स्ट्रा टारगेट हो जाएगा। अच्छा, एक नया रूल उन्होंने बताया भी कि ऊपर से रख के अगर कैच पकड़ लिया तो आउट हो जाएगा। तीसरा ओवर शुरू होने जा रहा है, लेफ्टी बॉलर और पहला बॉल वाइड, एक रन आ गया, दूसरी वाइड बॉल, गुड शॉट, और इसी के साथ आरिस भाई आउट हो गए। भाई एक बॉल हुई है और 4 रन आ चुके हैं, ओवर का दूसरा बॉल वाइड बॉल पे सिंगल भाग गया, बेहतरीन रनिंग। भाई एक बॉल हुई है, 6 रन आ गए और एक विकेट भी ले ली उन्होंने, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि विकेट भी आ गई और छक्का भी आ गया, 6 रन आ गए एक बॉल पे। ओवर का दूसरा बॉल करेंगे, नो बॉल और वाइड बॉल, बेहतरीन रनिंग यार, क्या बात है भाई, 8 रन आ गए। अंपायर ने नो बॉल दिए और फ्री हिट मिल गई है, अभी तक सिर्फ एक बॉल हुई है, 8 रन आ चुके हैं एक बॉल पे। ओवर का दूसरा बॉल, अच्छा शॉट, गुड फील्डिंग यार, एक ही रन बना सिर्फ। ओवर का तीसरा बॉल, अच्छा सिंगल, रन आउट का चांस है लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अभी तक बेहतरीन रनिंग कर रहे हैं बक्कू भाई और अज्जी दोनों ही, एक और बेहतरीन सिंगल, हाथों में देख के भी सिंगल भाग रहे हैं, उनके खुद हाथों भूले बक्कू भाई भागे, और ये रन, रन आउट का चांस था लेकिन ओवर थ्रो का रन, बेहतरीन रनिंग, नो डाउट बेहतरीन रनिंग करते हुए दोनों जो अच्छा स्कोर ले लिया, एक और शॉट और ईजी सिंगल। ओवर का आखिरी बॉल, बक्कू भाई ऑन स्ट्राइक, और ये आ गई बाउंड्री, क्या बात है बक्कू भाई, एक्सीलेंट बैटिंग यार। अजी भाई 30 हो गए, क्या कर रहे हैं भाई, यही क्रिकेट है, ज्यादा हो गया ना, यही क्रिकेट है, एक्सीलेंट रनिंग भाई, यही चाहिए, आप देखते हैं ना आपको, अगर मैं और बक्कू खड़े रहेंगे यही क्रिकेट मिलेगी, क्योंकि हम टच को करते हैं भाई, डॉट नहीं है हमारी लाइफ में, बेहतरीन। 2 ओवर में 30 रन हो चुके हैं,
बेहतरीन रन यार भाई, मतलब बैट लगते के साथ ही सिंगल भाग रहे हैं। शॉर्ट बॉल रही है लेकिन स्टिल सिंगल कंप्लीट कर दिया, बेहतरीन भाई। ऐसी क्रिकेट देखने को नहीं मिलती आपको इंडोर में, इस तरह की क्रिकेट कम ही लोग खेलते हैं और ऐसे लोग कामयाब भी हैं। मतलब बॉल डॉट नहीं होनी चाहिए आपकी, भले बाउंड्रीज ना आए, ठीक है, हर बॉल पे सिंगल डबल भी करते रहेंगे तो बॉलर खुद ही प्रेशर में आके 8-9 रन दे देता है। 3 बॉलों पे 3 रन आए अभी तक, ओवर का चौथा बॉल, वाइड बॉल और सिंगल है या नहीं ये अंपायर का डिसीजन देखना होगा। आउट दे दिया अंपायर ने, वाइड बॉल था। 3 बॉलों पे 4 रन आए हैं अभी, ओवर का चौथा बॉल और अच्छा शॉट, रन आउट का चांस लेकिन डायरेक्ट नहीं लगी, अगर डायरेक्ट लग जाती तो ये रन आउट हो सकते थे। अरसल भाई आए, सॉरी अरसल भाई हैं बैटिंग में मौजूद। 4 बॉलों पे 5 रन आए हैं, ओवर का 5वां बॉल, एक बेहतरीन लेग लास्ट सिंगल के लिए, अगर लग जाएगी तो रन आउट हो जाते लेकिन डायरेक्ट नहीं लग रही। ओवर का आखिरी बॉल करेंगे बासिल, नो बॉल और ये सिंगल हो जाएगा क्योंकि निशाने तो नहीं लग रहे, 2 रन एक्स्ट्रा आ गए है। मैंने पहले ही कहा था कि सिंगल डबल इस तरह से होते हैं तो बॉलर खुद ब खुद ही प्रेशर में आ जाता है। आखिरी बॉल और ये अच्छा शॉट बक्कू भाई का, बाहर का इशारा, 4 रन साइड से रखी जाएगी, 4 ऊपर से आएगी तो 6 होगा, 6 स्कोर हो चुका है भाई। क्या बात है यार बक्कू भाई, एक्सेलेंट बैटिंग है यार। 5 ओवर आपने खेल लिए ना तो ये 60+ टारगेट आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह, एक्सेलेंट बैटिंग भाई। 3 ओवर हो गए, 42 रन है, एक अच्छा स्कोर हो चुका है, आई गेस 60 तक तो ये टारगेट पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। इजी सिंगल, 1 रन बनेगा, 1 बॉल पे 1 रन आया अभी, ओवर का दूसरा बॉल, रन आउट का चांस है लेकिन 2 बॉल है 2 रन। ओ घर पे थोड़ी देख रही है सामने वाले पे। अजी कौन से रूल की बात कर रहे हैं भाई, कौन सा रूल आया? नया रूल आया है कि अगर आप भाग रहे हो और आपके हाथ में बॉल ना आए तो आप बॉल को छोड़ो, आप पैर मार दो विकेट पे, आउट हो जाएगा। सही बोल रहा है भाई, ऐसा ही है भाई, अभी 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 रूल कॉट डॉट बॉल। अजी भाई इस तरह के रूल लाते रहते हैं भाई, ये भाई मैच से पहले बोल रहे थे मैं, और ये तेज भागे, इतना तेज भागे ये। शॉट है भाई, अरे रुक गई भाई बॉल, रुक गई, अटल पूरा करो रन, नो बॉल है और डॉट हो गई और ये फिर हिट हो गई, हिट मिल गई अरसल भाई को, अच्छी के वाइड बॉल लग रही थी लेकिन अरसल भाई ने काफी हटके खेला इसलिए डॉट हो गई। बग्गू 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 भाई फाइनली एक अच्छा ओवर हो गया, 47 रन हो गए, लास्ट ओवर जो है वो सुपर ओवर है, उसमें सिर्फ एक फील्डर बाहर होगा बाकी सब अंदर होंगे, तो इसमें मैक्सिमम रन लेने कम से कम भी 14-15 रन आने चाहिए इस ओवर में आई गेस, और लेट्स सी के इस ओवर में हम लोग कितने रन लेने में कामयाब होते हैं। अच्छा शॉट और एक ही रन हो गया, मिस फील्ड हो गई भाई, मिस फील्ड, हाथों की बॉल थी जो मिस कर दी, इजी रुक सकता था इजीली लेकिन फील्डर ने मिस कर दिया। चक्कू भाई बोल रहे थे आज बैटिंग नहीं कर सकता मैं, लेकिन वही आखिर तक टिके मैं अभी। अच्छा बॉल साइड पे लगने का आउट नहीं है भाई, सिंगल ही होगा, 2 बॉलों पे 5 रन आ गए, अरसल मान ली सारी आसानियां कर दी, फील्डर भी सारे आगे बुला लिए अब। शॉट है भाई, एक बेहतरीन शॉट, ओह अरसल की किस्मत ही खराब, असल की किस्मत खराब नहीं है, हमारी किस्मत खराब है कि आ गया ये। भाई मैं वापसी आ जाता तो खुद ही वापस आएगा मैं। फाइनली बक्कू भाई आउट हो गए, ग्रेट बैटिंग भाई बक्कू भाई, क्या बात है, एक्सीलेंट रन बैटिंग। लेट्स सी हम कितना टारगेट जो है वो सेट कर पाते हैं। और सर अच्छा शॉट लेकिन एक ही रन बन सकेगा, लास्ट बॉल और डॉट बॉल और आसरा मिल गया था। हाँ भाई 50 का टारगेट है, क्या कहते हो बन जाएगा इंशाल्लाह? चलो भाई अपनी बैट्समैन कौन कौन है आपके पास?
नहीं है सारे बॉलर ही थे, टोपी हो गई जो बैट्समैन थे, अरे आज बॉलर ही बना देंगे इंशाल्लाह, आप ओवर नहीं करिएगा, बॉलर है बाकी सारे करेंगे भैया जी। भाई 56 का टारगेट है क्या कहते हो, बॉलर कौन कौन है हमारे पास? बॉलिंग बेहतर है हमारी। अच्छा, मैं खुद ही बॉलिंग करूंगा, तुम बॉलर हो। सही है, जवाब बॉलर है जो कि फिंगर भी करता है और ऑफ कटर भी करता है। हमारे बॉलर पास बहुत है भाई, टेपी है, 5 ओवर का मैच है, 8 बॉलर लेके आए हैं। इसी के साथ मैच शुरू हो जाता है, जेडी बॉलिंग कर रहे हैं, फुल फास्ट बॉलर हैरी भाई हमारे यहाँ खड़े हैं। बॉल एक रन, बहुत आला हैरी भाई ने, क्या बेहतरीन कैच लिया है। तीसरा बॉल जेडी का, वाइड बॉल, और इसी के साथ ये रन आउट वाइड बॉल पे। जेडी अपना बॉल करते हुए, और ये बॉल पीछे गया, और ये करा और ये मिस फील्ड हुआ, और एक रन का इजाफा, फ्री बॉल करवाते हुए, और ये डॉट बॉल, छोटी रन अप लेते हुए, और ये बॉल खड़ी की है, और ये कैच ड्रॉप कर दिया गया, और इसी के साथ ओवर हुआ, उनको इनरोल कर रहे हैं। पहला बॉल एक अलग हो गया है, और ये दो का अटेम्प्ट लेकिन रन आउट बच गया। तीसरा बॉल, और ये थ्रो से विकेट बच गई, वेल फील्ड यार। और ये वाइड बॉल, जी अपनी बॉल करवाते हुए, और ये गुड शॉट मारा, और इसी के साथ ये 4 रन मिलेगा। अगला बॉल, और ये शॉट मारा, और ये रन आउट का चांस, और ये रन आउट, डंडे गिरा दिए हारिस भाई ने। 2 ओवर में 14 रन है हैरी भाई, और अच्छे खासे रन चाहिए अभी। पहला कैच आपने बड़ा बेहतरीन लिया यार, दूसरा रन आउट पे डंडे की निकाल लिया आपने बाहर यार, आते हुए बॉल करवाते हुए, और बेहतरीन बॉल, और बेहतरीन अगला बॉल, लेकिन एक रन ले लिया गया, 2 बॉलों पे 1 रन, बेहतरीन बॉल, और वाइड दे दी गई, और एक अलाउ भी हो गया। शायन पर अपने मार्क रेडी, एक और वाइड बॉल, बॉल हो गई है ये, और ये रन आउट, खुद ही बॉल करके खुद ही रन आउट मारा है शायन ने कराते हुए, बैट्समैन रेडी, अच्छा बॉल डाला है, और पूरी की बेहतरीन फील्डिंग, रेडी, और ये बॉल कराते हुए, अच्छा ये और कर दिया है, लेकिन पूरी की बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन फिर एक रन ले लिया बैट्समैन ने, फिर पाइप को खड़ा किया है, और एक और रन आउट, और ये बेहतरीन रन आउट मारा है हैरी ने। नो बॉल थी लेकिन रन आउट हो गया, एम्पायर लेंग एम्पायर बात कर रहे हैं, लेकिन एम्पायर ने आउट दे दिया है, नॉट आउट दे दिया, हो गया।
अच्छा यॉर्कर। और ये खड़ी कर दी है और ये कैच ले लिया गया। पांच रन अपने मार्क पे और ये वाइड बॉल। और ये शॉट मारा और वेल फील्ड। और ये खड़ी कर दी है और ये कैच ड्रॉप हो गया और एक रन ले लिया। भाई राफे का ओवर है आखिरी और ये ऐसा टैलेंटेड बॉलर है, दो हाथों से करता है, दोनों हाथों से करता है, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी, और ये दोनों बॉलर दिखाए। बॉलर आ गए हैं डॉट बॉल। भाई दूसरा हाथ कब यूज करोगे? उल्टे हाथ से करवा रहा है, फिर उल्टे हाथ से। अब वाइट बॉल चेक कर रहे हैं, आप टैलेंट चेक कर रहे हैं माशाल्लाह से, दोनों आशीष का सेम पेस आता है और ये हार्ड बॉल में भी इसी तरह करता है, राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से भी। बॉलर बैट्समैन देख के चेंज करता है, ये टैलेंटेड बॉलर है। और ये शॉट मारा लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाई इस तरह से हम लोग मैच जीत गए बहुत आसानी और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट राउंड के लिए। अब नेक्स्ट राउंड कब होता है ये नहीं पता, क्योंकि आज नहीं है, ये नेक्स्ट वीक होगा और मैच होंगे जो बाकी। अभी फर्स्ट मैच जो था 8 टीम के टूर्नामेंट में हम लोग जीत गए। अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंशाल्लाह।